हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग पंचम, विषय संस्कृत व्याकरण। बच्चों, पहले के वीडियो में मैंने आपको युष्मत शब्द का रूप बताया था। आइए आज मैं आपको उत्तम पुरुष, जिसका शब्द अस्मद हो, जो अस्मद शब्द का प्रयोग होता है, उसका रूप जो है वो मैं आपको बताऊंगी। उत्तम पुरुष अस्मद, जिसे कि फर्स्ट पर्सन कहते हैं इंग्लिश में। आइए देखते हैं कि उसके सप्तमी विभक्ति के सातों विभक्ति के एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन के रूप किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। वक्ता यानी बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष में अस्मत शब्द का प्रयोग होता है, जिसके तीनों वचन के रूप हैं अहम, आवाम एवं वयम। अस्मत शब्द की प्रथमा विभक्ति के रूप हैं ये सभी जो हैं, अहम, आवाम, वयम, वो अस्मत शब्द के प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। सभी लिंगों में इनका एक समान प्रयोग होता है। एक बार और आप जान लीजिए कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। वक्ता यानी बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष में अस्मद शब्द का प्रयोग होता है। अहम, आवाम, वयम अस्मद शब्द की प्रथमा विभक्ति के रूप हैं, ये तीनों वचनों के रूप हैं। सभी लिंगों में इनका एक समान प्रयोग होता है। यह मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष जो हैं, इनका प्रयोग सभी लिंगों में एक समान होता है। आइए अब देखते हैं कि इसके सातों विभक्तियों में तीनों वचनों के रूप किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। विभक्ति, विभक्ति सात होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी एवं सप्तमी। इसके सर्वनाम, ये सर्वनाम शब्द हैं, अतः सर्वनाम शब्दों में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। सातों विभक्तियों के तीनों वचन के रूप इस प्रकार से अहम, आवाम, वयम या प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं। माम, आवाम, अश्मान ये द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं। मया, आवाभ्याम, अश्माभिः यह तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं। मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम यह चतुर्थी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन के रूप है। मत, आवाभ्याम, अश्मत यह पंचमी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन के रूप है, यानी तीनों वचनों के रूप हैं। मम, आवयो, अस्माकम यह षष्ठी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन के रूप हैं। मई, आवयो, अस्मासु या सप्तमी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन के रूप हैं। बच्चों, इस प्रकार से मैंने यह सातों विभक्ति के एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन के सातों विभक्तियों के रूप को मैंने लिखकर आपको बताया। आप सभी बच्चों से आग्रह है कि आप इसका जो परिभाषा है, जिसे उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, इसको याद कर लिख कर याद करेंगे एवं इसके तीनों वचनों के विभक्ति के साथ इसके तीनों वचनों के रूप को भी लिखेंगे एवं याद करेंगे। याद रहे बच्चों कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। बच्चों, मैंने पहले आपको जो है वो युष्मत शब्द शब्द के विषय में बताया था कि युष्मत शब्द जो श्रोता होता है उसे सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। उसके रूप को मैं पहले के वीडियो में, जो मैं पहले भेज चुकी हूँ, उसमें मैंने आपको युष्मत शब्द के विषय में बताया था। आज मैं जो है आप लोगों के लिए अस्मद शब्द लेकर आई थी और मैंने उसे आपको अच्छे से समझा दिया है। आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप इसे अवश्य ही लिख कर याद करेंगे। आगे की जानकारी लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।